देखिए ऑब्वियसली इंडिया टॉप फोर में जरूर होने वाली है बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है, स्पेशली इस बार जिस तरीके का फॉर्मेट है तो आपको पता है कि आप सारी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो आपको एक्चुअल वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा इस बार, क्योंकि इससे पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड होती थी टीम्स, आप सारी कंट्रीज के अगेंस्ट खेलते नहीं थे, लेकिन अब जब आप सारी कंट्रीज के अगेंस्ट खेलोगे तो जो एक्चुअल वर्ल्ड चैंपियन होगा वही आपको मिलेगा। और इसमें आई थिंक कोई लक अनलकी, बिकॉज एक ऐसा टूर्नामेंट है जब अगर शुरू में आप अच्छी शुरुआत नहीं करते उसके बावजूद आपके पास टाइम है कमबैक करने का, अगर आप अच्छी शुरुआत करते हो तभी आप बीच में कई बार मुश्किल फेज से गुजर सकते हो, तो मुझे लगता है कि बढ़िया फॉर्मेट है और आगे जाके भी आईसीसी को इसी तरीके के फॉर्मेट वर्ल्ड कप में रखना चाहिए। लुक इट्स डिफिकल्ट, आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ क्वालिटी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह प्रॉब्ली द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नो, आई फील दैट जसप्रीत बुमराह विल बी एन एक्स फैक्टर, हार्दिक पांड्या द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन, सो आई थिंक दीज फोर प्लेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील मोस्ट इंपॉर्टेंटली जसप्रीत बुमराह बिकॉज द विकेट्स आर गोना बी वेरी फ्लैट, इट्स गोना बी हॉट, सो हाउ जसप्रीत बुमराह बोल्स इन दैट वर्ल्ड कप विल डिसाइड वेयर इंडिया रीचेस बिकॉज इट्स गोना बी एन हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप, ऑल द वर्ल्ड कप्स हैव बीन हाई स्कोरिंग, लास्ट ईयर इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देयर वर 34 सेंचुरी स्कोर्ड, विकेट्स हैव बिकम वेरी फ्लैट एज वेल, सो इट विल come down to the bowlers, how the bowlers perform, so Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, Bhuvneshwar Kumar, two wrist spinners, so probably that is where I think everything will boil down to.